नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। आज मैं जो व्यंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो डॉक्टर अनीता यादव द्वारा लिखा गया है और उसका शीर्षक है चुनरी के दाग से उंगली के दाग तक। भारत भूमि के उम्दा गायक रहे मन्ना डे स्वर्ग में रहते हुए भारत भ्रमण की अदम्य इच्छा से पीड़ित थे। आज उनकी ये इच्छा पूरी होने जा रही थी। आखिर देवराज इंद्र ने अनुमति देते हुए कहा, जाओ वत्स, भूलोक के भारतवर्ष नामक स्थान पर आज लोकतंत्र के महापर्व की बेला चालू है, एंजॉय करके आओ। आपके संस्मरण सुनने के लिए यहां हम व्याकुल रहेंगे, अतिशीघ्र लौटना। और तथास्तु कहते ही मन्ना डे भूलोक के प्राचीन नाम आर्यावर्त और नवीन भारत भूमि पर थी। चुनावी बयार जोरों पर थी। जन से लेकर सेवक तक की टेढ़ी उंगलियां सीधे होने में व्यस्त थी, दाग जो लगना था। ऐसे माहौल में मन्ना साहब अपने प्रसिद्ध गीत लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। माहौल में खासी गर्मी थी जो कि मौसम के अनुसार अभी उतनी नहीं होनी चाहिए थी। उनसे गलती ये हुई कि सामने आते व्यक्ति से गर्मी का कारण पूछ बैठे। जवाब था, दिखता कौन या यज्ञ चल रहा है, फिर गर्मी ना तो के बर्फ पड़ेगी। कहते हुए पहलवान ने अपनी उंगली दिखाई, ये देख आहुति को निशान। उंगली पर एक काला निशान था। फिर बंदे ने जेब से खुद से भी ज्यादा दिखने वाला स्मार्टफोन निकाला, दाग लगी उंगली नाक के सामने सीधी खड़ी की और क्लिक, बस फोटो सोशल मीडिया में गुलाटियां मारने लगी। दाग से इतनी प्रसन्नता मन्ना डे पहली बार देखते हुए सोच रहे थे, हमारे समय में तो दाग छुपाने का कर्म था, बिन छुपाए घर जाना असंभव था, पर ये सब। तभी सामने से एक और प्रबुद्ध जन आके दिखाई दिए जो मुंडी गोते विचार मग्न थे। उनकी उंगली दाग दगीली नहीं थी, उनके विचारों की माला में छेद करने के इरादे से मन्ना पूछ बैठे, भाई आपने दाग नहीं लगवाया? बस फिर क्या था, बंदा बिखर गया और बोला, वे चुप, जले पर नमक छिड़कता है वे साला। हमने आला कमान की रैलियों में भीड़ जुटाई, पैसे से लेकर पहलवान तक दरी दारा दारू साला सब बंदोबस्त हम किए, असलाहा तक साला जान पे खेल कर भिजवाया हूँ, बीवी से बीड़ी तक साला सब छोड़ डाला, पर का फायदा हुआ बे, टिकट साला वो छुट्टन ले उड़ा, अभी ससुरी उंगली कारी करके का होगा, हमारी जिंदगी का फसल तो बर्बाद बा। बंदे की आत्मकथा सुनकर मन्ना को दया तो बहुत आई, पर सज्जन की जबान का खुरदुरापन देखकर ढांढस बधाने की बजाय चुप्पी साध गई। उन्हें आभास हो चुका था कि बंदे की कल भी ऊंट की तरह सीधी कतई नहीं है। वो कुछ और बोले उससे पहले मन्ना वहां से कट लिए। दाग के विषय में अब तक कई जहीन भारतवासी अपनी वार्ता से मन्ना जी का ज्ञानवर्धन कर चुके थे। दुनिया के इस भूभाग में मन्ना ने उन लोगों की बहुतायत देखी जो दाग और उंगली को सेल्फी के नाम पर क्लिक कर स्वर्ण हिरण शिकार सा अनुभव कर रहे थे। जो भी हो, मन्ना साहब अब दाग के लक्ष्य को खुद भी पाना चाहते थे। चुनरी के दाग से तो उनका प्राचीन परिचय था, पर अब बारी उंगली के दाग से परिचित होने की थी। देखते ही देखते वे वोटरों की लंबी लाइन के अंतिम छोर पर खड़े हो गए। बहुत से लोगों ने हाथों में कुछ थामा हुआ था जिसे वो वोटर आई कार्ड कह रहे थे। मन्ना के पास तो था नहीं, सो वे चिंतित हो उठे। चिंता वाजिब भी थी, आखिर कैसे बिना वोटर कार्ड उंगली पर दाग लग पाएगा। लेकिन उस समय बेहद प्रसन्न दिखे जब बगैर वोटर कार्ड के भी वोटर पर्ची पा ली। उंगली दगीली हो चुकी थी, अब बारी मन्ना के गर्व से फूलने की थी जब पता चला कि पार चुनाव तक उनके नाम का वोट डाला जाता रहा। चुनावी दिनों में वे और उन जैसे जाने कितने मुर्दे इन खास दिनों में जिंदा हो उठते हैं। ये सब जानकर मन्ना भारतीय लोकतंत्र की अभिभूत करने वाली भावना से ग्रस्त हुए बिना न रह सके। वैसे तो उनका स्वर्ग वापस लौटने का समय हो चुका था, पर दिल अभी भरा नहीं। गाना गुनगुनाने से उनकी मंशा साफ पता चल रही थी। लौटने से पहले वे एक और अदम्य इच्छा पूर्ति चाहते थे, सेल्फी विद दाग वाली उंगली, जिसके लिए उन्हें एक अदद से स्मार्टफोन की मदद की जरूरत थी।
पृथ्वी लोक आकर भी सोशल मीडिया पर न घूमे तो क्या फायदा, वे सोच रहे थे। लागा उंगली पे दाग दिखाऊं सबको, गुनगुनाते हुए आगे बढ़ गए। जगह जगह सेल्फी हेतु फ्रीज हुए लोग उंगली से लोकतंत्र को बचाने की फुल टू कोशिश में मगन थे और अब ऐसी ही एक कोशिश मन्ना डे भी करना चाहते। तो मित्रों, कैसा लगा आपको डॉक्टर अनीता यादव जी का ये व्यंग और मेरा व्यंग वाचन, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि पसंद आया हो तो इसको शेयर करें ताकि इस व्यंग को अधिक से अधिक लोग सुन सकें। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत शुक्रिया।